देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। कोरोना के नए वेरिएंट ने गुजरात में दस्तक दे दी है। वहां पर इस नए वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। इससे पहले मायानगरी मुंबई में भी इस वेरिएंट का एक मामला मिला था। इस वायरस को काफ़ी संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में सरकार भी अब पूरी सावधानी बरतने के मूड में दिखाई दे रही है। गुजरात में जिस मामले की पुष्टि हुई है उसको लेकर बताया गया है कि 13 मार्च को शख्स कोविड पॉजिटिव निकला था, लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी स्थिति ठीक थी, लेकिन जब सैंपल के नतीजे आए तो उसमें वो शख्स एक्सई वेरिएंट से संक्रमित निकला। अब चिंता की बात यह है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। BA.2 वाला जो वेरिएंट है उसकी तुलना में एक्सई वेरिएंट 10% ज़्यादा संक्रामक है। वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारण की गंभीरता से जांच करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर COVID-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 24 घंटों में केरल में 353, महाराष्ट्र में 113, हरियाणा में 336 और मिजोरम में 123 मामले सामने आए हैं। देश के हालात देखें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 1109 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 1033 मामले दर्ज किए गए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। ये डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने दूसरी डोज 9 महीने या उससे पहले लगवाई थी। डर क्या है? देखो, डेल्टा की तीसरी लहर सितंबर 2021 में आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी। ओके, वो मेरा पूरा जो सब ट्रेडमार्क वैल्यू बिल्यू उसके ऊपर है कि डेल्टा की लहर नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इतने सारे लोगों को डेल्टा हुआ था, हमको पता ही नहीं था। तो जिनको ओरिजिनल कोविड हुआ था और जिनको डेल्टा हुआ था उनको वापस डेल्टा नहीं होता, इसके वजह से डेल्टा की तीसरी लहर नहीं आई। तो अचानक ओमिक्रॉन के केसेस आ गए। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन ने पूरा गणित ही बदल दिया। जिन लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं, जिनको डेल्टा हुआ था, जिन्होंने बूस्टर लिए थे, उनको भी ओमिक्रॉन पकड़ रहा था, लेकिन वो सीरियसली नहीं पकड़ रहा था। ओमिक्रॉन वैसे ही मामूली था। और उन लोगों में जिन्होंने टीके लिए थे और जिनको पहले कोविड हुआ था, उनमें से और ही कई गुना मामूली था। इसके वजह से इंडिया में तीसरी लहर नहीं आई। ओमिक्रॉन ने इतना उधम नहीं मचाया। अभी सबके जहन में एक ही ख्याल होगा कि जैसा नया ओमिक्रॉन आया और ओमिक्रॉन ने ये गणित बदल दिया कि जिनको टीके लिए डेल्टा हुआ है उनको भी ओमिक्रॉन हो सकता है, अगर ये XE इस तरह से संक्रमित कर सकता है और उसने ये गणित बदल दिया कि जिन्होंने 2 टीके लिए हैं, 3 टीके लिए हैं, जिनको डेल्टा हुआ था और जिनको ओमिक्रॉन हुआ था उनको भी पकड़ सकता है, तो फिर केसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडियो न्यूज 24। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।